इन दिनों भाजपा के कट्टर नेताओं से पूछा जाए कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा बहुत पहले कर दी और भाजपा ने इतनी देर क्यों लगा दी, इससे भाजपा को नुकसान होगा, तो ये सभी नेता खरगोश और कछुए की कहानी सुनाने बैठ जाते हैं। वो कहते नजर आते हैं कि भले ही हम देर से शुरू हुए हों, लेकिन रेस हम ही जीतेंगे। वहीं इस तर्क पर जब कांग्रेसियों से पूछा जाता है तो वो भी ये कहते नजर आते हैं कि सागर लोकसभा सीट से भाजपा अपने ही जाल में फंस गई है, इस बार भाजपा के लोग ही कांग्रेस को जीत दिलवाएंगे। इन दोनों ही बातों में राजनीतिक समझ कम और कहने वाली बातें ज्यादा हैं। दरअसल भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी इस मुगालते में है कि सागर लोकसभा सीट से जीत बहुत आसान होगी। भाजपा जहां मोदी लहर और भाजपा का लंबे समय से इस सीट पर जीत हासिल करना अपनी ताकत मान रही है, वहीं कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनने के बाद कॉन्फिडेंस में है। दोनों के बीच अगर मुकाबले की बात करें तो कांग्रेस अभी ग्रामीण इलाकों की अपेक्षा शहरी इलाकों में कमजोर है, वहीं भाजपा सिर्फ मोदी फैक्टर पर ही निर्भर है। सागर लोकसभा सीट से भाजपा के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, वहीं कांग्रेसियों में चुनाव जीतने की ललक उतनी नहीं दिखाई दे रही जितना की होना चाहिए। बहरहाल सागर लोकसभा सीट पर अभी असल चुनावी दंगल शुरू नहीं हो पाया है। जब ये शुरू होगा तब मालूम होगा कि इन राजनीति के पहलवानों में कितना दम है। सागर टीवी न्यूज़ के लिए अनुज गौतम की रिपोर्ट।